दोस्तों लोगों को लग रहा था कि प्रभास की फिल्म सालार के डर से शाहरुख खान अपनी फिल्म डंकी की रिलीज डेट को आगे बढ़ा देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। एसआरके ने कल एस्क एसआरके सेशन में क्लियर कर दिया है कि कुछ भी हो जाए उनकी फिल्म डंकी तो उसी डेट को रिलीज होगी। दरअसल दोस्तों ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि प्रभास की फिल्म सालार भी उसी दिन रिलीज होने वाली थी जिस दिन शाहरुख खान की फिल्म डंकी, क्योंकि दोस्तों पहले प्रभास की फिल्म सालार शाहरुख खान की फिल्म जवान के साथ रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर उसे आगे बढ़ा दिया गया। यदि दोस्तों सालार और डंकी फिल्म की टक्कर होती है तो हमें करोड़ों का नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों दोनों फिल्मों में सुपरस्टार है और उनकी अलग लेवल की फैन फॉलोइंग है। वही एसआरके तो अभी अलग से फॉर्म में चल रही उनकी हर फिल्म 1000 करोड़ कमा रही है। दोस्तों वही बात करें सालार और डंकी के बजट के बारे में तो सालार का टोटल बजट 250 से 300 करोड़ है, वही डंकी का बजट सिर्फ 100 करोड़। लेकिन आप डंकी को हल्के में लेने की कोशिश न करें, यह फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। तो दोस्तों आप सालार और डंकी फिल्म में से किसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।